ये भाई इस ट्रैक्टर की टंकी खोलनी पड़ गई हमें। हो गई भाई छोटी सी समस्या, अपने आगे वाले ट्रैक्टर ले लिया भाई टायर ने फिर से एयर। हवा यार है तो कम ऐसा करके, मैं तो भाई डर ही गया था पूरा। सूरज भगवान की किरणें भाई एकदम सही पड़ रही हो ना, तो देख लो भाई जैसे भी बल्ब दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है ना भाई, ये चेक करो यहाँ पर, ये एक और दो, ये डबल पंप है। कई कई में एक ही होता है सिंगल, तो वो भी बढ़िया, वो एयर बहुत ज़्यादा लेती है। सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब अभी हम चल रहे हैं और पहले डाल लेते हैं भाई ट्रैक्टर के अंदर डीजल और थोड़ा साफ भी कर लेते हैं कपड़ा लेके आया हूँ मैं, क्योंकि भाई गंदा बहुत और का है। चलो भाई ठीक है, इसी के साथ करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। चलो भाई ठीक है, करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। आप ही रखो भाई अपना काम कंटिन्यू। कर लेता हूँ भाई ट्रैक्टर की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से भाई ये बहुत गंदा है, कपड़ा ही नहीं मारा है। डब्बी बहुत टाइट हुई है यार, पता नहीं ये नीचे से खुल रही है, क्या बात है। ये लो भाई खुली है नीचे से, खुलना इसको यहाँ से चाहिए था, लेकिन चेक करो भाई ये यहाँ से खुली है। हो गया भाई पूरा साफ, चमाचम करने लगा है ना पूरा एकदम। कर लेते हैं भाई ट्रैक्टर में भी ऑयल चेक। ऑयल भी भाई मशीनरी में चेक करना ज़रूरी होता है, चाहे कोई सी भी हो मशीनरी आपके पास, टाइम पर ऑयल चेक करना ज़रूरी है। लग चुके हैं भाई साहब पाइप, अभी टंकी फुल करते हैं फिर चलते हैं। भर लिए भाई टंकी और यहाँ से ट्रैक्टर भी थोड़ा ख़राब हो गया, डीजल थोड़ा नीचे गिर गया ना। तेल वेल टंकी फुल कर लिए भाई, अभी हम चल रहे हैं। दूसरा ट्रैक्टर अपना इंटे लोड कर रहा है, अभी हम एक ही ट्रैक्टर लेके जाएंगे, जब वो वापस इंटे खाली करके आएगा तब वो आएगा भाई। हो गया भाई ट्रैक्टर स्टार्ट, जय श्री राम। निकल रहे हैं भाई घर से, आज थोड़े लेट हो गए भाई काफ़ी ज़्यादा, आज भाई थोड़े लेट हो गया, इसलिए कंबल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ज़्यादा सर्दी नहीं है। आ चुके हैं भाई मशीन के पास, प्लान था मेरा कि ग्रीस व्रीस करके ही काम करेंगे, लेकिन अभी लेट हो गए ना आज हम, तो पहले डायरेक्ट ऑयल चेक कर लेते हैं, बाकी झाड़ू काटने का काम ही ट्रॉली भरने के बाद ही करेंगे भाई, क्योंकि मेन चीज़ है ऑयल चेक करना। अगर ये चेक कर लिया ना तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। एक सेकंड। आज भाई काफी लेट हो चुके हैं, आठ बज के 26 मिनट हो चुके हैं, एक घंटा लेट हो गई लगभग भाई। और इस टायर में भाई हवा कम लग रही है पता नहीं क्यों। हवा यार है तो कम, ऐसी सब वैसी बात तो नहीं है, हवा तो कम है इसमें, पहले आगे। जय श्री राम। नहीं कम नहीं है यार, ऐसे ही वो वहां पर दबा हुआ था ना टायर, ऐसा करके मैं तो भाई डर ही गया था पूरा। सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, मैं तो पूरा डर गया था एकदम से, मैंने सोचा टायर पंचर हो गया। सूरज भगवान की किरणें भाई एकदम सही पड़ रही हो ना, तो देख लो भाई जैसे भी कैसे पड़ा के मारती है।
गणेश काका थोड़ी ड्राइव कर रहे हैं भाई। कंकर डाल दिया ना भाई। फुल हो चुके हैं भाई ट्रॉली लोड अपने, ये लो जी। अभी भाई पहले हम जो यहाँ पर ये पत्थर, इनके अंदर भाई कंकर पत्थर है, इनको उधर साइड में कर देंगे, और ये यहाँ पर जो पत्थर है ना, इन सभी को हम साइड में करेंगे।
यहाँ पर तो भाई काफी ज्यादा है कांकर, देख रहा हूँ कितनी है अंदर। ज्यादा हो तो भाई फिर छोड़ना ही पड़ेगा। निकाल दिए भाई उस तरफ, तो देख लो भाई पूरी जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं ना, वो वहां पर पूरी कांकर है भाई उस तरफ। तो मैंने ऊपर ऊपर से उधर कर दिए, बाकी भाई जो और आएगी तो भाई देखा जाएगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है भाई अंदर है कि नहीं है। जहाँ होगा वहीं छोड़ देंगे भाई। ग्रीस करने को भरते टाइम भाई एक बात का ध्यान जरूर रखना है आपको, कि ये वाला है ना, इसको भाई पूरा एक बार में खींच के नहीं रखना। अगर एक बार में खींच के रखेंगे ना, इसके अंदर पूरा एयर बन जाएगा, हवा हवा रहेगी, ग्रीस गन पूरी लोड नहीं होगी। तो जैसे जैसे भाई ये मैं भर रहा हूँ ना धीरे धीरे करके, वैसे वैसे ही भरना है धीरे धीरे। पहले थोड़ा खींचो, नहीं तो भाई कोई भाई क्या करते हैं सीधा पहले एक बार खींच देते हैं, जितना आता है वो सोचते हैं भाई भर गई, लेकिन ग्रीस गन पूरी नहीं भरती है कभी, वो अधूरी रहती है भाई, क्योंकि उसके अंदर हवा रहती है अंदर, और फिर भाई इतनी खतरनाक वाला ग्रीस गन एयर लेती है ना, क्या है बताएं भाई। क्योंकि इमरजेंसी के अंदर भाई कभी हम काम कर रहे हो, नहीं तो भाई ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है, 5-6 बार ग्रीस कर देती है भाई एक बार ग्रीस भरने के बाद। पीछे पीछे अगर और पूरी मशीन के अंदर करते हैं ना, तो भाई एक बार पूरा कर देती है पूरी मशीन में, एक डेढ़ बार के लगभग हिसाब लगा के चले ना, तो आगे पीछे दोनों में करेंगे तो भाई एक बार पूरी में हो जाएगा, फिर एक बार पीछे हो जाएगा, इतना ग्रेस रहता है भाई इसके अंदर। थोड़ी ये छोटी है, पहले मेरे पास थी वो बड़ी थी भाई, वो 2 बार ही करती थी पूरी मशीन में, लोडर में और पीछे में दोनों में करते थे ना, तो 2 बार ग्रेस कर देती थी। ये 1.5 बार ही चलती है क्योंकि ये थोड़ी छोटी है। चलो फिर भी भाई पूरी भरी हुई होती है ना, तभी ये कर पाती है। इस गन को भी बड़े प्यार से भरना है भाई, क्योंकि इसको बाहर से पूरा ख़राब नहीं करना है, कि भाई जब भी आप ग्रीस गन लो ना नुई, तो ये डबल पंप वाली आती है ना, अभी मैं दिखाता हूँ मेरे पास है ये, यही लेना, क्योंकि सिंगल पंप वाली भाई एयर बहुत ख़तरनाक लेती है। इसको यूज़ करने के बाद ही मेरे को पता चला भाई, पहले मेरे को भी नहीं पता था कि भाई ये एयर लेती है कि नहीं लेती। ये भाई बिल्कुल एयर नहीं लेती है यार। अब इसको धीरे से ऐसे इसको बटन को दबा के ऐसे इसको धकेल देना है भाई अंदर। ये लो, अभी मैं आपको डबल पंप दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है ना भाई, ये चेक करो यहाँ पर, ये 1 और 2, ये डबल पंप है। कई कई में 1 ही होता है सिंगल, तो वो भी बढ़िया, वो एयर बहुत ज़्यादा लेती है, और ये है ना भाई ये एयर कम लेती है। और कई कई बार भाई मेरे पास पहले थी चूड़ी वाली, वो भी भाई बहुत ज़्यादा एयर लेती थी, लेकिन ये ग्रीस गन लाने के बाद मेरे को भाई एयर निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है।
ले लिया था भाई, थोड़ा ट्रैक्टर ने एयर निकाल दिया अभी हमने, कितना सारा डीजल नीचे डालना पड़ा है। ट्रैक्टर लेने लगा भाई वापिस एयर। चल रहे भाई साहब, आज भी खाना खाने के लिए गांव जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि शाम आया नहीं है और टिप्पण की व्यवस्था बनी नहीं है इस बार, इस वजह से। ले लिया भाई टेड ने फिर से एयर, पूरा बंद ही हो गया ये, अभी खोल के करते हैं इसको सही। डीजल चेक करो भाई, बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है इसमें, इसकी वजह से भाई ये एयर ले रहा है। देखो ट्रैक्टर पूरा बंद हो गया, इस पाइप के अंदर बिल्कुल डीजल नहीं आ रहा है, अभी मेरे को टंकी के अंदर फूंक देनी पड़ेगी, तब जाके इसके अंदर भाई डीजल आएगा। फिर से भाई कितना सारा डीजल बह गया नीचे, ढक्कन वापस लगा देते हैं। अभी चेक करता हूँ हो रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ। साथ में भाई ये पंप भी मारना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना आगे फिल्टर वगैरह खाली हो चुके हैं ना, उसके लिए काफी देर से कर रहा था ये बंद होने की कोशिश। अब भाई खा रहे हैं खाना, ट्रैक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से 3 बज रहे हैं भाई, 3 और 3 बजे अभी हम खाना खाएंगे। हो गई भाई छोटी सी समस्या, अपने आगे वाले ट्रैक्टर के अंदर भाई डीजल खत्म हो गया भाई, रिपेयर कितना ही ले लिया रे। डाल दिया भाई तेल, चल रहे हैं अभी 2 लीटर लगाया इसे, अपना काम बन जाएगा। ये भाई इस ट्रैक्टर की टंकी खोलनी पड़ गई हमें, एयर निकाल रहे हैं इसका सही से, एयर निकाल रहे हैं इसका, लगा रहे हैं भाई टंकी को वापस।